हमारे चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश पाश होंगे, कैरियर से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी मैंगो स्क्वैश बनाने की। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में घर पर तैयार हो जाता है और ये बाहर के डब्बे के जूस से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस करें, उससे आपको मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मैंगो स्क्वैश बनाने के लिए मैंने मैंगो लिए हैं। जितने अच्छे आप मैंगो लेंगे या जितने अच्छे क्वालिटी के आपके मैंगो होंगे तो मैंगो स्क्वैश उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। और मैंगो जो आप लें तो वो कौन सा लें, या अगर आपके पास आपके एरिया में सिंदरी आम जो होते हैं वो अवेलेबल हैं तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें वो जो रेशे वो तार वगैरह होते हैं तो वो नहीं होते, उससे आपका मैंगो स्क्वैश जो है तो काफ़ी स्मूथ और अच्छा बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने चार मैंगोज लिए थे, फोर मैंगोज, उसको मैंने रफली क्यूब शेप में कट कर लिया था। उसकी मैंने स्किन निकाल ली थी और मैंने उसको रफली क्यूब शेप में कट कर लिया था और फिर मैंने ब्लेंडर जार में डालकर उसकी मैंगो प्यूरी बना ली। अगर आप ज़्यादा मैंगो स्क्वैश बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मैंगोज भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। देखिए मैंने मीडियम साइज़ के जो चार मैंगो थे, फोर मैंगोज तो मैंने कट कर लिए हैं, तो मेरे पास जो ये मैंगो क्यूब से तो ये 2 कप के बराबर हो गए हैं। और अब मैंने इसको ब्लेंडर जार में डालकर इसकी जो होती है तो मैंगो प्यूरी बना ली थी। और उसके अलावा मैंने 2 कप चीनी ली है, 2 कप शुगर, और उसके अलावा मैंने इसमें 3 कप जितना पानी ऐड किया था। तो अगर आप ज़्यादा मैंगो ले रहे हैं तो आप चीनी भी ज़्यादा लेंगे। सबसे पहले मैंने एक पैन में शुगर ऐड कर ली और उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया और उसके बाद मैंने इसका चूल्हा जलाकर और उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाया। इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है और चम्मच चम्मच चलाते रहना है जब तक इसका अच्छा सा शुगर सिरप तैयार हो जाए। चम्मच चम्मच चलाते रहना है और चूल्हा बिल्कुल स्लो रखना है, ज़्यादा तेज नहीं रखना। जब शुगर सिरप तैयार हो गया था तो उसके बाद मैंने वो जो सारी मैंगो प्यूरी थी वो इसमें ऐड कर ली थी। अगर आप चाहें तो आप मैंगो प्यूरी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ों की क्वांटिटी मैंगो की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको इसके बाद मैंने इसको 15 से 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाया था और चम्मच इसमें कंसिस्टेंटली चलाते रहना है, उससे ये होगा कि मैंगो प्यूरी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और हमारा जो मैंगो स्क्वैश है तो अच्छी तरह से स्मूथ बन जाएगा। और उसके बाद मैंने इस मैंगो स्क्वैश को ठंडा कर लिया था और ठंडा होने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया था और इसको मैंने फिर बॉटल में उतार दिया था। जब हम चूल्हा बंद कर लेंगे तो इसकी जो थिकनेस है वो खुद ही बढ़ जाएगी और जो ये मैंगो स्क्वैश है तो ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और फिर मैंने इसको छान कर और बॉटल में भर दिया था। तो मैंगो स्क्वैश तैयार है। मैंने 1/2 कप मैंगो स्क्वैश लिया था तो उसमें 1/2 कप पानी ऐड किया था, मतलब जितना हमें मैंगो स्क्वैश लेना है तो इतना ही हमें पानी ऐड करना है। और मैंने इसमें तिखा लहंगा ऐड किया था, अगर आपको पसंद है तो वो आप इसमें ऐड कर दें, वरना आप सादा ठंडे पानी से भी इसको बना सकते हैं। अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया है तो आप इस समर ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसको बनाना काफ़ी आसान है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।